देखो जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ उद्योग करना पड़ता है। उद्योग माने जानते हो, उद्योग माने काम, और काम के बिना इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता। काम के बिना आपका मन भी नहीं लगेगा, और जो लोग काम नहीं करते हैं उनका जीवन पूर्ण रूप से बेकार हो जाता है। वो धरती पर रहकर भी बोझ बने रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और जब हम जन्म लिए तो ये बात तय हो गई कि हम यहाँ जितने वर्ष भी जिएंगे उतने दिनों के लिए कुछ कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो समाज में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं। क्या? कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई कुछ है। साथ ही साथ हमें और भी कुछ दिखाई पड़ता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मिल में काम करता है, कोई जूते सिलाई करता है, कोई सत्तू बेचता है, कोई फुचका बेच रहा है। पर हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वह हमारे लिए पूजनीय है, और हर व्यक्ति जो काम करता है उसको इस जीवन का मूल रहस्य समझ में आ चुका है। अब समस्या हो गई कि आप अपने क्लास में पढ़ते हैं, जिस क्लास में भी पढ़ें, हम सब बड़े होकर या पढ़ते पढ़ते अपने लिए एक ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। कैसा ख्वाब देखते हैं? कि बड़े होंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े होंगे तो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े होकर हम अमुक व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉलर, कोई और कुछ, कोई राइटर, कोई लेखक, कोई कुछ भी जो इस तरह की बातें सोचता है। अब रह गई बात कि इसके अलावा भी कोई अपने लिए ये नहीं सोचता कि हम रिक्शा चलाएंगे, हम रोलिंग मिल में काम करेंगे, हम कोई ऐसा काम करेंगे जो मजबूरी में हमें करना पड़ता है। ये जितने लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं या जो रोलिंग मिल में काम करते हैं, आप जानते हैं एकदम फर्नेस भट्टी जलती रहती है, और उस जलती हुई भट्टी के सामने वो एकदम गर्मी के दिनों में भी गर्म अंगारों के सामने खड़े होकर वो उस काम को करते हैं। अगर हम इस बात को पूछें कि आपसे ये धूप नहीं बर्दाश्त हो रही है और आपसे ये धूप नहीं बर्दाश्त हो रही है और इस धूप में इसी गर्मी में वो आदमी भट्टी के सामने, आग की भट्टी के सामने क्या कर रहा है? काम कर रहा है और बड़े बड़े जूते पहना है, उसके शरीर से एक मिनट के लिए भी पसीना छूट नहीं रहा है, हर वक्त वो पसीने में डूबा हुआ है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद तब हमको ये लगता है कि दुनिया में काम का चयन करना कभी कभी मजबूरी और कभी कभी अपनी पसंद से होता है। मजबूरी कब? जब हम देख रहे हैं कि बिना काम किए हमें न खाना मिलेगा, न पढ़ाई, न ही कोई सुख। जब ऐसी बात है, तब फिर अंत में जब पढ़े नहीं, लिखे नहीं, मम्मी पापा की बातें नहीं माने, गुरु की बात नहीं माने, तो अंत में हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं?
कि अब हम लोगों को मजबूर, माने अब हम समझ गए कि हाँ मम्मी पापा गुरु जो भी कहा करते थे वो सही कहा करते थे, पर अब तो हमसे गलती हो चुकी है, अब तो समय बीत चुका है, अब हमको कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमको उसी को मानकर अपने जीवन को स्वीकार करके हमें फिर उसी की तरह आचरण करते हुए कुछ न कुछ काम कर लेना पड़ता है। लेकिन जो आदमी उस काम को करने लगता है, जैसे रिक्शा चलाने लगता है, रोलिंग मिल में काम करने लगता है या और भी कोई काम करने लगता है, तब वो पूजनीय हो जाता है। क्यों? काम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। पूजनीय क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सही इंसान है, उसको ये बात समझ में आ गई है, वो चोरी नहीं कर रहा, वो डाका नहीं डाल रहा ना। तो और फिर इसके बाद हम आपको आज ये क्लास क्यों बता रहे हैं, हम आपको ये क्लास क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन का लक्ष्य चुनना मात्र तुम लोग शुरू से ही जो काम ये करने लगे, और ही कुछ वर्षों में ही तुमको अपना जीवन का लक्ष्य चुनना होगा, और शुरू से ही जो इस काम में लग जाए तो क्या अच्छी बात है। अब हम लोग आए, आजकल देखते हो आप इतने छोटे हो फिर भी आपकी ज़रूरतों में कितने सारे पैसे खर्च होते हैं, मम्मी पापा आपकी खुशियों को पूरा करते करते अपना जीवन गंवा देते हैं, फिर हम लोग फिर ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, और फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं जैसा कि पहले लोग चले थे। पर नहीं, आज से हम ये तय करेंगे क्या कि नहीं हम ऐसे नहीं चलेंगे, हमारे जीवन का कुछ अच्छा लक्ष्य होगा, हम कुछ अच्छा काम करेंगे, हम कुछ अच्छी दिशा में चलेंगे। और अच्छी दिशा क्या हो सकती है, ये बात कैसे तय होगी? ये बात तय होगी कि आजकल जो व्यक्ति काम करता है, जो रुपए कमाता है, जो पैसे कमाता है, वह समाज में इज्जत पाता है, वह समाज में सही अच्छा माना जाता है, उसको हर सुख उपलब्ध है, वह अपने घर के लोगों को पढ़ा लिखा सकता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, फिर काम करना है। अब इस काम के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि कब और कैसे, कब हम काम करें और कैसे काम करें। दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, इतनी फास्ट जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, और इस फास्ट दुनिया में हमने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो पढ़ते पढ़ते काम भी करते हैं, बल्कि ये कह लो कि काम करते हैं तो पढ़ते हैं, काम नहीं करेंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उनका जुनून देखने को मिलता है, क्या कि वो काम भी करना चाहते हैं और खुद के लिए पढ़ाई का भी आलम बना के रखें। और हमने कई बार उन बच्चों से मिला और उनसे बातें की तो मुझे महसूस होता है कि ये बच्चे बहुत कुछ करेंगे आगे चलकर। फिर अब समस्या है कि काम कौन सा करें। काम करने के लिए पहले, आज से बरसों पहले, जो हमारे पूर्वज थे वो थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाते थे कि पढ़ लिख लो नहीं तो कोई काम नहीं मिलेगा, और हम लोग एक ही लक्ष्य पकड़ के चले हैं कि सिर्फ पढ़ते लिखते रहेंगे और वही हमें काम दिलाएगा। पढ़ना लिखना बेहद ज़रूरी है जीवन में, पढ़ेंगे नहीं तो हम जानवर ही बने रहेंगे, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि हम अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानें, हमको जो अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़ना, ऐसा नहीं, हमको पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो आपको लग रहा है कि कोई काम आज के दुनिया में बिना पढ़ाई के कंप्लीट हो जाएगा? आपको कहीं ना कहीं कोई कीबोर्ड चलाना होगा, कहीं ना कोई कंप्यूटर चलाना होगा, कहीं ना कहीं दीवार को पढ़ना होगा, कहीं कोई पेपर पढ़ना होगा, तमाम तरह की बातें। तो कम से कम उसके लिए हमको पढ़ाई ज़रूरी है, और साथ ही साथ पढ़ने से दिमाग विस्तृत होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को भी पहचानेंगे। और वो क्या है? ज़रूरी नहीं है कि पढ़कर इंजीनियर बनेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर क्या करें सर? फिर आप मत कुछ करिए, आप सिर्फ एक दिन बैठिए और सोचिए क्या कि हमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, हमको क्या अच्छा लगता है। कुछ भी, डांस करना, खाना बनाना, खेलना, और भी कोई चीज़ करना। दुनिया इतनी विस्तृत हो गई है, आप लोग रोज़ टीवी चैनल्स पे शो देखते हैं, DID, सारेगामा,
इत्यादि शो जिसमें आप देखते हैं कि वो लोग डांस करके, छोटे छोटे बच्चे डांस करके अपना कैरियर बना ले, कोरियोग्राफर बन जा रहे हैं, सिंगर बन जा रहे हैं और कम उम्र में ढेर सारे पैसों के मालिक हैं। 18 बरस जाते जाते एक सिंगर बन गया, 2-3 पिक्चरों में गाना गाया, फिर उसके बाद उनको कौन पूछता है, फिर उनकी दुनिया ही बदल जाती है। और खाना बनाना आता है, खाना में बनाइए, स्वादिष्ट खाना बनाने में अपना जीवन बनाइए। संजीव कपूर का नाम सुना है आपने, संजीव कपूर कुक हैं, अच्छे कुक खाना बनाते हैं। और भी कुछ, तेंदुलकर कम पढ़े लिखे हैं ये भी, लेकिन खेल कर उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया। और भी तमाम लोगों के ऐसे उदाहरण पड़े हैं। फिर करें क्या, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो हारमोनियम बजाना हो, चाहे वो तबला बजाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस उसी चीज़ को पहचान कर हम अपने आप को उसी में निखारेंगे। और फिर अपने मनपसंद का काम अगर हम खोज लेंगे और करने की कोशिश करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें हमारा मन भी लगेगा और सफलता भी भली भांति उसमें मिलेगी। इसलिए आप अपने टैलेंट को पहचानें और आप अपना टैलेंट पहचानें, और दूसरी बात कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ें, माथा में दिमाग में इतने सारे टेंशन ना पालें। कैसा टेंशन, कि हम डॉक्टर नहीं बन पा रहे, हम इंजीनियर नहीं बन पा रहे। और ये जो ऑडियो अभी चल रहा है इसमें हम आपको ये भी बता दें कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता को भी ये सुनाएं। क्या कि माता पिता, कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती वो सब करने के लिए कहते हैं जो वो बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता को भी ये सहयोग करना होगा कि आपके बच्चे जिस चीज़ में लायक हैं या उनको जो चीज़ पसंद है आप उसी में उनको निखारने का प्रयास करें और उसी तरफ उनको आगे बढ़ाएं, ताकि उनको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई नहीं हो और वो जल्दी से उसको हासिल कर सकें और उनकी उड़ान आसमान को छूने लगे। क्लियर, थैंक यू। अब बोल सकते